तैयार करने के लिए ये 3 अदद आलू जो है मैंने बॉईल कर ली हैं, इनको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेते हैं। आलू जो है हमने ग्रेटर की मदद से बारीक क्रश कर लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर, 2 पिंच ज़ीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये आलूओं का मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है, इसको हम करते हैं साइड पे और ब्रेड की कटिंग करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्रेड की शेप की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं सीधी इसी तरह से बिल्कुल स्क्वायर शेप में करने लगी हूँ कटिंग। इस तरीके से मैंने चकोर पीस जो है वो काट लिए हैं। अब हम इसके ऊपर फिलिंग जो है वो लगाते हैं। ये थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेके इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देते हैं। इसी तरीके से तमाम ब्रेड के पीस में तैयार करती हूँ, फिर कोटिंग करते हुए आपको दिखाते हैं। ब्रेड पकौड़ा की कोटिंग तैयार करने के लिए हम 2 टेबल स्पून मैदा डालते हैं और 1 टेबल स्पून बेसन शामिल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को स्ट्रेनर में अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा सा महलूल जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए तमाम ब्रेड जो है हमने मिक्सचर लगा के तैयार कर लिया है। अब हमने जो कोटिंग तैयार की है उसमें से कोट करके तो उसको फ्राई करते हैं। कोटिंग जो हमने तैयार की है देखिए किस कदर स्मूथ है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। अब ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया। अब एक एक उठाती हूँ, इसमें डिप करती जाती है और फ्राई करते जाते हैं हम। ये देखिए ब्रेड उठाएंगे, इसके अंदर दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से कोट करेंगे और इसको ऑयल में डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई हो गए हैं दोनों साइडों पर अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। पकाया भी सारे में इसी तरह से फ्राई करती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये ले माशाल्लाह से ज़बरदस्त ब्रेड पकौड़ा हमारे जो तैयार हैं। देखिए अगर मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची, बहुत मज़ेदार। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार करें, बच्चों को नाश्ते में तैयार करके दें तो यकीनन बच्चे आपके इसको खूब इंजॉय करेंगे और बार बार आपसे बनाने की फरमाइश करेंगे। इसी तरह की एक नई रेसिपी लेकर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।